हेलो दोस्तों, मैं हूँ रॉयल रफ़ी और आप देख रहे हैं रॉयल रफ़ी जीरो मनी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमारा क्लासिक 350 फ्रंट डिस्क ब्रेक के ऊपर है। तो उसमें हो क्या रहा है, ब्रेक बिल्कुल फेल हैं, ब्रेक नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ किस तरह है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लच के माफिक काम कर रहा है, ये इसमें ब्रेक नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी BMC किट चेंज करने वाले हैं। इसके अंदर एक पिस्टन होती है, तो वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह चेंज होगी और फिर चेंज करने के बाद ये किस तरह काम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका लीवर खोल लेंगे। नीचे एक 10 नंबर का नट है, वो खोल लेना है। तो मैं खोल लेता हूँ फटाफट इसको। फिर हमें इसका ये कैप खोल लेना है। तो हमने ये सारा ऑयल निकाल लिया है इसका। इसको फटाफट BMC किट को बाहर निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर एक लॉक है, लॉक निकाल लेते हैं हम। शायद आपको ना दिख रहा हो क्योंकि बहुत ही कचरा हो रहा है इसके अंदर, तो हम फटाफट इसका लॉक निकाल लेते हैं। ये रहा वो लॉक, और ये BMC किट। तो हम फटाफट इस मास्टर सिलेंडर को साफ़ कर लेते हैं। पूरा साफ़ करने के बाद असेंबल करेंगे, तब आपको दिखाएंगे किस तरह असेंबल करनी है। तो हम ये पूरा क्लीन कर लेते हैं पहले। दोस्तों, ये बिल्कुल क्लीन कर लिया हमने, आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है। तो फटाफट हम इसको फिट कर लेते हैं। और ये रही हमारी BMC किट, मेजर किट 222, उसका पार्ट नंबर है। ये फटाफट असेंबल कर लेते हैं इसमें और देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है उसके बाद। तो दोस्तों, ये है हमारी नई BMC किट और ये इसके साथ एक लुब्रिकेशन आता है। तो हम फटाफट इसको लगा लेते हैं और हमें ये लुब्रिकेशन कैसे लगाना है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन यहाँ पे लगाना है और ये थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है। इससे क्या हो, इसके बिना लगाए हम अगर फिट करते हैं तो क्या होता है, ये कभी कभी इसकी रबर है ना, अंदर लगाते समय बैंड हो जाती है। और जैसे ये रबर बैंड हो जाएगी फिर इसकी लाइफ कम हो जाएगी, ये चलेगा नहीं ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ लगा लेनी है और फटाफट ये इसके अंदर लगा लेना है, थोड़ा सा ग्रीस, ये जो लुब्रिकेशन है ये इसके अंदर लगा लेना है। और इस तरह हम ये डालेंगे, एकदम इजी चलेगी पिस्टन में। और ये लुब्रिकेशन नहीं लगाएंगे तो ये टाइट जाती है, या फिर क्या होता है कई बार जो कॉलर है उसका उल्टा हो जाता है, लौट जाता है, उसकी वजह से इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो हमें करना क्या है, इसे हम थोड़ा सा एक बार चला के देख लेंगे क्या ये सही से काम कर रही है नहीं पिस्टन हमारी। उसके बाद हम ये रॉयल इनफील्ड का हमारा ब्रेक फ्लूड है तो फटाफट ये डाल लेते हैं। अब हमें इसका लॉक नहीं लगाना है अभी, क्योंकि हमें इसका एक बार प्रेशर सेट करना है। तो हम जैसे ही 2-3 बार यूज़ करेंगे इसमें प्रेशर आ जाएगा। ये देखें आप, अभी इसके अंदर प्रेशर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका फटाफट लॉक लगा लेंगे। अभी हमें लॉक लगाने का तरीका ये है, पहले ये स्क्रू ड्राइवर के अंदर डाल लेना है इस तरह। ये हमारा नॉक प्लेस है, नॉक प्लेयर। ये आप देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल इजी ही काम हो जा रहा है। ये आप लॉक लग गया, सिर्फ दो ही टूल्स से एक ही बार में लॉक लग गया। ये एरिया आप देख सकते हैं लॉक लगने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्रीस भर लेना है ताकि पानी वानी ना जाए और रस्ट ना आए इसके अंदर। और ये इसकी एक रबड़ लगा देनी है जो अंदर पानी वानी ना जाए।
फिर हमें थोड़ा ये लेना है ग्रीस वगैरह, इससे क्या होगा ये थोड़ा स्मूथ चलेगा। अब हम लीवर को लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी BMC किट चेंज कर दी। आप इसके देख सकते हैं ब्रेक, कितने भी जोर से दबा लो इससे ऊपर नहीं जा रहा। और हम आपको पहले वाले दिखाते हैं पहले किस तरह काम कर रहे थे, तो अब हम पहले वाले आपको दिखाएंगे। ये अभी वाले हैं। और इसमें एक चीज़ देखी आपने दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर घंटी, ये कितना यूनिक सामान है इसके अंदर, मज़ा आ रहा है भाई। टन 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 इतनी बड़ी रॉयल एनफील्ड में एक छोटी सी साइकिल वाली घंटी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दें। और मैं आपको बताता हूँ घंटी कैसे बजाई जाती है, तो आइए पहले थोड़ी घंटी बजा लेते हैं। दोस्तों ये रही वो घंटी जो आपको सब्सक्राइब करके बजा देनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।